हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा नुस्खा जिसके यूज़ करने से आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम हो जाएगी खत्म। अगर आपकी स्किन डार्क हो गई है, आपकी स्किन पे पिंपल है या आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होम मेड नीम सोप, जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को कर देगा दूर। हमें लेना है कुछ नीम की पत्तियाँ। इन नीम की पत्तियों का आप पेस्ट बना लें। अब हमें लेना है पियर सोप। पियर सोप को आप इस तरह से कद्दूकस कर लें। एक पतीली में पानी गरम करने रखें। पानी गरम हो जाए उसके बाद पियर सोप को एक बर्तन में लेकर इसके अंदर रखें। ये सोप बहुत ही जल्दी मैट हो जाएगा। इसे थोड़ी देर अंदर रखें। इससे हमारा सोप बहुत ही अच्छा बनेगा, हमारा नीम सोप, जो आपकी हर प्रॉब्लम को कर देगा दूर। अब हम इसे थोड़ा हिलाते रहेंगे, ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है गाइस। ये इसको मीडियम रखें, इसे चम्मच से आप हिलाते रहें गाइस। देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। फ्लेम हाई नहीं करना है हमें, इसे अच्छे से हिलाते रहना है। ये बहुत ही जल्दी मेल्ट होगा। देखिए ये मेल्ट हो गया है, ये आधा मेल्ट हो गया है हमारा। अब हम इसमें डालेंगे हमारा नीम का जो पेस्ट हमने बनाया है गाइस, वो हम इसमें डालेंगे। अभी पूरी तरीके से हमारा जो पियर सोप है वो मेल्ट नहीं हुआ था और हमने इसमें नीम का जो पेस्ट है वो डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से मिलाते रहना है। ये दोनों बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे, इसे अच्छे से मिलाते रहें। अभी पियर सोप बाकी है मेल्ट होना थोड़ा अंदर। ये देखिए मेल्ट हो रहा है ये धीरे धीरे। बस इसे थोड़ा पकाएं, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। सो गाइज ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, देखिए इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है। अब हम इसे गैस पे से उतार लेंगे। ठंडा होने से पहले हमें कंटेनर में हमारे सोप को जमाना होगा। सो गाइज मैंने अपने सोप को बनाने के लिए यहाँ पे दो छोटे कंटेनर ले लिए हैं। आप कोई भी इस तरह का कंटेनर ले सकते हैं। आपको जैसे शेप में अपने सोप को बनाना है आप इस तरह का कंटेनर ले लें। इसे हम इसके अंदर डालेंगे और इसे हम 30 से 40 मिनट तक फ्रीज में रख देंगे। उसके बाद हमारा सोप जो है रेडी हो जाएगा, होममेड सोप, हमारे हाथ से बनाया हुआ नीम का सोप रेडी हो जाएगा गाइस। अब मैं इसे फ्रीज में 30 से 40 मिनट तक रख दूंगी गाइस, उसके बाद हम देखते हैं हमारा सोप। तो गाइस मैंने 30 मिनट बाद अपने सोप को फ्रीज में से निकाल लिया है। अब हम इस कंटेनर में से अपने सोप को बाहर निकालेंगे। ये बहुत ही ईजीली बाहर निकल जाएगा। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है सोप गाइस। ये आपकी बॉडी पॉलिशिंग में मदद करेगा, हमारी स्किन में चमक लाने के साथ जितने भी निशान दाग धब्बे होते हैं उन्हें दूर करेगा। पिंपल के दाग धब्बों को भी ये दूर करेगा और स्किन की हर प्रॉब्लम को ये दूर करेगा। सो गाइज आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इससे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।